एवरीवन, नमस्ते मेरे भाई और बहनों, और कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना वीकली पैम्पर्ड सेल्फ केयर रूटीन। हमें अपने डेली लाइफ में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम अपने स्किन का केयर कर पाए, तो स्किन का केयर भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें अपने स्किन का भी केयर करना चाहिए, अपने हेल्थ का भी केयर करना चाहिए, क्योंकि हम तो सबका ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, इन लॉस का, तो हमें अपना, तो हमारा ध्यान कौन रखेगा, तो खुद ही रखना पड़ेगा हमें अपना ध्यान। अगर हम अपने स्किन का केयर नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो समय से पहले ही हमारी स्किन डल हो जाएगी, हमारी स्किन में एजिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें अपने स्किन का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम डेली लाइफ रूटीन में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, कोई वर्किंग वूमेन होती है, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती है, और कोई हाउसवाइफ भी होती है, जो उसको उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अपने स्किन का केयर कर पाए। खुद मैं भी अपने स्किन का डेली केयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाना, एडिट करना, बच्चे को देखना, खाना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं, तो स्पेशल मैं इसके लिए तो टाइम नहीं निकाल पाती है। तो मैं वीक में एक बार खुद अपने स्किन का पैम्पर करती हूँ। वीक में अगर एक बार भी अपने स्किन का केयर कर लीजिएगा, तो आपका हफ्ते भर का काम चल जाएगा। तो आप वीक में, यानी कि आप संडे में एक घंटा, मात्र एक घंटा अपने लिए जरूर समय निकालिए और अपने स्किन का केयर जरूर कीजिए। तो मैंने सोचा आज मैं अपने स्किन का पैम्पर कर रही हूँ, तो क्यों नहीं आपके साथ भी शेयर किया जाए। और इसमें मैं जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ वो बिल्कुल ही नेचुरल होती है, बिल्कुल ही इजीली अवेलेबल होंगे आपके घर में। तो लड़के, तुम क्या वीडियो देख रहे हो, तुम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये ओनली गर्ल्स के लिए, बॉयज़ भी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। वीडियो देखिए, उसके बाद आप भी इसे फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही मेरी बिफोर स्किन केयर की पहले की स्किन। अब जब मैं इस स्किन केयर को फॉलो करूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बिफोर और आफ्टर कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है। तो पहले स्टेप में हम करने वाले क्लिंजिंग। तो क्लिंजिंग बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच कच्चा दूध, कुछ ड्रॉप्स लेमन के। अब इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप एक कॉटन बॉल लीजिए, इसे अपने पूरे फेस पे क्लीन कर लीजिए लगभग 5 मिनट तक। दूध में लैक्टिक एसिड होते हैं जो हमारे स्किन को डीपली क्लीन करता है, साथ ही साथ दूध में विटामिन डी भी होता है जो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। आप इसे अपने पूरे फेस के अलावा इसे अपने नेक को भी क्लीन कर लीजिए, नेक को नहीं भूलना है। अब मेरे स्किन में जितनी भी डर्ड है ये बाहर निकल आई है। उसके बाद आप वॉश आउट कर लीजिए, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी। अब हम बढ़ने वाले हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में हमें करना है स्टीमिंग। इसके लिए आपको हल्का गुनगुना पानी में अब हैंकी को डिप कर लीजिए और एक्सेस वाटर को निचोड़ के हैंकी से अपने फेस पे कुछ इस तरह रखना है। इस प्रोसेस को आपको 4 से 5 बार करना है। इस हमारे जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है, इस स्टेप को करने से वो फूल जाएंगे, जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ईजिली रिमूव हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में हम बनाने वाले हैं स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच राइस पाउडर, और इसे आप कच्चे दूध के साथ आप मिक्स कर लीजिए। तो बनके तैयार है हमारा स्क्रब। स्क्रब आपके फेस में जितने भी ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, इसे जड़ से रिमूव करता है और ये आपकी स्किन को ग्लो बनाता है। अगर राइस की बात किया जाए तो यह हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाता है, वाइट बनाता है। अगर आपके फेस में एजिंग की प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो यह भी इसके रिमूव करता है। और 10 मिनट तक आप हल्के हाथों से मसाज कीजिए, उसके बाद आप वॉश आउट कर लीजिए। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करेगी, ग्लो आएगी। और हमारे नाक के आसपास बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, ये भी इसे रिमूव करता है। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले स्टेप में, वो है फेस मास्क। तो फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन, आप चाहे तो मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 चम्मच कॉफ़ी। और कॉफ़ी की स्मेल इतनी अच्छी लगती है कि मैं इसे सूंघने के बाद मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, लेकिन अभी पी नहीं सकते क्योंकि अभी अपना काम करना है।
तो कोई बात नहीं, बाद में पी लेंगे। और इसमें आपको ऐड करना है आधा चम्मच कस्तूरी हल्दी, और एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं चाहे तो आप गुलाब जल का। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो एलोवेरा जेल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं जो भी है उसे निकालने का भरपूर प्रयत्न कर रही हूँ, किसी भी तरह निकालने का कोशिश कर रही हूँ, और मेरा प्रयत्न सफल हो गया। तो मैं इसे मिक्स कर लूँगी हाथों से और इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। कॉफ़ी की जितनी भी तारीफ किया जाए वो उतना ही कम है, क्योंकि कॉफ़ी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैफीन होता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे हमारी स्किन में चमक आती है, हमारी स्किन सॉफ्ट होती है। और बेसन का यूज़ तो हमारे देश में सदियों से किया जाता है। बेसन हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, अगर आपको टेनिंग की प्रॉब्लम तो यह उससे भी रिमूव करता है। हल्दी में भरपूर मात्रा में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, अगर आपको एक्ने की भी प्रॉब्लम है, पिम्पल है, तो यह इससे भी हटाता है। और एलोवेरा के बारे में तो क्या कहना, इसके बारे में तो सब जानते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे एजिंग प्रोसेस को दूर करता है। तो 20 मिनट तक रखने के बाद आप इसे वॉश आउट कर लीजिए, और मैंने वॉश आउट कर लिया और आप देख सकते हैं लाइव रिजल्ट, मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। मैं आपको पूरा नज़दीक से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, कितनी ज़्यादा चमक आ रही है। अब मैं आपको बिफोर की पिक्चर दिखा रही हूँ, आप देखिए मेरे बिफोर की स्किन क्या हालत ख़राब है, अब आफ्टर की स्किन देखिए क्या चमक आ रही है, शाइन आ रही है। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप भी अपने लिए समय निकालिए, अपने स्किन का भी केयर कीजिए, अपने हेल्थ का भी केयर करिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को ठोक के लाइक कीजिए और मेरे चैनल को दबा दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हाँ, और एक बात, स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के बाद आपको आपकी स्किन में कैसा रिजल्ट मिला, मैं तो 100% गारंटी लेती हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, नो डाउट। फिर भी आप अपना रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं इसे रीड करूँगी और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो चलिए।